हेलो फ्रेंड्स, पाइथन सीखने की सीरीज में मैं उन्हीं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, ये चैप्टर 15 है और इसमें हम स्पेशल फंक्शंस के बारे में पढ़ रहे हैं और इसके पहले लैम्डा एक्सप्रेशन को डिटेल में जान रखा था। यहां पे हम सिंपल सा एक एक्सरसाइज देखेंगे। आई होप कि आपको लैम्डा एक्सप्रेशन अच्छे से समझ आ गया। अगर ऐसा नहीं है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए और मुझे डायरेक्टली कॉल करके पूछे, क्योंकि सिंटेक्स और सारी चीज़ें एक एक प्रोग्राम करके मैं डिटेल में बता रखा हूँ, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे हम एक छोटा सा एक्सरसाइज देखेंगे और देखेंगे कि आखिर हमको एक्सरसाइज में करना क्या है। एक्सरसाइज इसी से रिलेटेड होगा कि अभी तक आपने जो लैम्डा एक्सप्रेशन पढ़ा है उसी में एक्सरसाइज जो है रिलेटेड होगा। तो एक्सरसाइज में आपको करना क्या है कि आपको सिंपल चेक करना है, या तो आपको ऐसा सिंपल करना है कि आपको लैम्डा एक्सप्रेशन का यूज करना है, लैम्डा एक्सप्रेशन का यूज करना है और लैम्डा एक्सप्रेशन का यूज से आपको रिटर्न करना है, रिटर्न द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग या लास्ट कैरेक्टर, रिटर्न द लास्ट कैरेक्टर ऑफ द स्ट्रिंग पास्ड, ठीक है। मतलब जो स्ट्रिंग उस लैम्डा एक्सप्रेशन में पास हो उसका लास्ट कैरेक्टर प्रिंट हो जाए, ठीक है। जैसे मान लीजिए मैं अगर हैरी पास करता हूँ, लेट से हैरी अगर पास करता हूँ तो मेरे पास जो आउटपुट आना चाहिए वो क्या आना चाहिए, वाई आना चाहिए, ठीक है, क्योंकि लास्ट कैरेक्टर इसका वाई है, ठीक है। तो आपको लैम्डा एक्सप्रेशन का यूज करके सिंपल इस एक्सरसाइज को करना है। आई होप कि आपको एक्सरसाइज समझ आ गया। अगर ऐसा है तो प्लीज इस वीडियो को एक लाइक कर दो और अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दो। और हाँ, जिनसे ये एक्सरसाइज हो जाती है बड़ी अच्छी बात है, और जिन लोगों से नहीं होती है तो घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। अभी आप लैम्डा एक्सप्रेशन पहली बार अपने जीवन में पढ़ रहे हैं, जो लोग सी सी प्लस प्लस जावा जो भी पढ़ के आए हैं उनके लिए भी ये पहली बार है, क्योंकि रिसेंटली इन लैंग्वेजेस में अभी अभी लैम्डा ऐड हुआ है तो बहुत सारे लोग तो इसमें पढ़े ही नहीं होंगे। और जो लोग एज ए फर्स्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पाइथन को शुरू किया उनके लिए भी पहली चीज़ है। तो मैक्सिमम लोगों से नहीं होगा और जिनसे हो जाता है उनके लिए बड़ी बहुत अच्छी बात है कि वो प्रोग्रामिंग में इतने अच्छे हैं, ठीक है। लेकिन जिन लोगों से नहीं होता इसका मतलब ये नहीं कि वो प्रोग्रामिंग में खराब है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ऐसा इसलिए हो रहा है बस कि आप अभी उस कॉन्सेप्ट को पकड़ नहीं पाए। तो एक बार अगर उन वीडियो लेक्चर को आप देख के फिर ये क्वेश्चन करेंगे तो आपसे डेफिनेटली हो जाएगा। अगर फिर भी नहीं होता तो इसके आगे मैं सॉल्यूशन डालता हूँ, आप उस सॉल्यूशन को डायरेक्टली देख के इसको सॉल्व करिए। थैंक यू।